वाइट्स को। फ्रेंड्स आपण माने जानि पर्थवे सेलिब्रिटी वाइट्स ना रुही जे आमी प्रति बेले आपण मानको पाखको किछि एमती यूनिक पर्सनालिटी को आनिबो विभिन्न क्षेत्र रो जो मानको आपण जानिबा को चाहुतबे जो मानकर कथा आपण जानिबा को चाहुतबे आ आज हमर फर्स्ट एपिसोड रो दुई जण एमिती गेस्ट हम सहित अछंती जो मानको आपण समस्ते जानि परुथिबे कहिकना गुडे मूवी रिलीज होबा को जाउछि दमन जो मूवी को नेकी चारियाडे एबे चर्चा होछि केवल ओडिसा नहि ओडिसा बाहरे भी समस्ते एंग्जियसली वेट करिछंती जे केते बडे सेप्टेम्बर 30 तारिख होबो मूवीटी रिलीज हम आई पचरी थी दुई नायक जो आम नेपथ्य नायक को माने डायरेक्टर डुओ आज आम सहित अच्छा फर्स्ट एपिसोड रे चलो प्रथम वेलकम करवा आम शो को मोर लेफ्ट साइड रे अच्छा विशाल मौर्य जी सर आपको वेलकम नमस्कार आपरे अच्छा देवी प्रसाद लेंका सर सर आपको शो को वेलकम नमस्कार आप दुई जन जोड़ी विषय बहुत चर्चा कहीं ना जेनरली कौन हुए जिते बड़े डुओ हिसाब से म्यूजिक डायरेक्टर डायरेक्टर काम करती सेत प्रथम आम समस्त मुंडे गोटे कथा थाए के माइंड सिंक्रोनाइज करना फिल्म रे डायरेक्टर आउ आर्टिस्ट बा प्रोटागोनिस्ट मानकर माइंड सिंक्रोनाइजेशन जितकी आवश्यकता थाए जिते दुई जन पछरे काम करती से विषय जानापी बेस इंटरेस्ट थाए मु बेस किसी जानी मुझे खाली जाणी जे देवी सर आप एफटीआई विजु पट्टनायक इनच्यूट आम कटक रू पास आउट आपणकर केमी देखाला विशाल सर सहित कहीं दुई जन फ्रेंडसीप कथा बहुत शुणीचु से जानवा को चाहिए मु 2010 रे जूम रे एडिटर थाए आ सेठी एडिटिंग समय रे मिस इंडिया बोली गोटे प्रोजेक्ट आसला 2010 रे मिस इंडिया ये थिले विशाल मोरे थिले सूट रे अच्छा तो मु एडिट टेबल रे से थिले डायरेक्शन रे अच्छा तो सेठी ही दि जन कर देखा हला अच्छा सेठ तांकर भी इच्छा थिला जे किछि फिल्म करिया पई प्लानिंग थिला आगु को मोर भी प्लानिंग थिला फिल्म पई तो मैच कला माइंड तो सेठ हम एक संग प्लान कर जे आगु जाई के फिल्म करिवा अच्छा माने जने डायरेक्टर आ जने एडिटर जो डेटा की निहाती आवश्यक जने प्री प्रोडक्शन रु माने पूरा काम करबे आ जने पोस्ट प्रोडक्शन रे सब किछ बदलई देबे आ सेइटा ही बेसी इंटरेस्टिंग कर दिए फिल्म को मझी पार्ट ता तो एक्टर एक्ट्रेस को कथा बा डायरेक्शन रो कथा विशाल जी आपसे जानना चाहूंगी कि आप तो ननडिया हो एमपी से आप बिलोंग्स करते हो कैसे आपको लगा कि ओडिशा में आके हम लोग काम करेंगे फ्रेंडशिप के हिसाब से आगे ठीक है उससे पहले भी आप दोनों काम किया है बिजू बाबू के मूवी में काम किया है फिर उसके बाद बी से बुंदेलखंड पर काम किया है ये थर्ड मूवी है आप दोनों का क्या बोलेंगे कि मतलब आप वो रिस्क लेना चाहते थे देखिए रिस्क लेने की बात ऐसी थी कि अगर मैं स्टार्ट से बताऊं आपको जब हम लोगों की दोस्ती हुई थी जूम में जैसा देवी ने बताया कि जब हम लोग पहली बार मिले तो हम लोगों की दोस्ती ऐसी थी कि पहले दोस्ती हुई उसके बाद हम लोगों का माइंड मैच कर रहा है ऐसा नहीं होगा एक्चुअली उल्टा हुआ पहले हम लोग का माइंड मैच हुआ उसके बाद फिर जो दोस्ती है वो आ गई अच्छा वो क्रिएटिव वाला माइंड मैच हुआ वो जो एक था ना आपने पूछा कि माइंड कैसे आपका सिंक हो गया तो पहले माइंड सिंक हुआ बिकॉज एज ए डायरेक्टर मैं भी कुछ सोच रहा हूँ देवी के दिमाग में भी कुछ है एंड ऑब्वियसली और थोड़ा सा मैं और बता दूँ इसके पहले का मिलने के पहले आई वॉज वर्किंग एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर था इंटेंसिटी वो कहीं ना कहीं देवी से मैच किया हम लोगों ने बोला कि हाँ यार हम लोग को तो फिल्म बनानी है बिकॉज कहीं ना कहीं मैं भी जॉब को लेकर परेशान था देवी भी जिस चैनल में काम कर रहे थे वो भी छोड़ना चाहते थे तो हमने कहा कि यार ये तो बढ़िया है मेरे पास उस टाइम पे मुंबई में मुझे याद है छोटा कैमरा हुआ करता था हम लोगों ने बोला चलो चल के डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं तो उड़िया इन मुंबई करके एक डॉक्यूमेंट्री हम लोग शूट करते थे लोकल ट्रेन में मुंबई की बस्तियों में जाके इधर उधर करके बहुत शूट किया एंड उस टाइम से हम लोग राइटिंग जरूर करते थे अच्छा कुछ स्टोरीज थी हमारे पास वो डेवलप करते रहते थे हम लोगों ने काम किया उसके बाद देवी कर रहे थे जूम में काम मेरा जूम में जो भी था प्रोजेक्ट मिस इंडिया का खत्म हो गया फिर मैं दूसरे शो के लिए काम करने लगा उसके बाद देवी चले गए ओडिशा ही टोल्ड मी कि विशाल एक फिल्म है एंड आई वाज पैशनेट अबाउट फिल्म कि हाँ फिल्म तो करनी है इसलिए जॉब छोड़ा है उसके बाद मैं इधर आ गया उसके बाद से हम लोग साथ में काम कर रहे हैं मेरा भी ओडिशा में आना जाना है एंड सिंस लास्ट टू एंड हाफ ईयर हम लोग काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं फिल्मों के अलावा भी कॉरपोरेट हैं डॉक्यूमेंट्रीज हैं लेकिन अभी मोस्टली फिल्मों पे काम कर रहे हैं तो उसी रो में फिर ये दमन आया है
इसके प्रमोशन में हम लोग लगे हुए हैं। अच्छा, तो वो क्रिएटिव वाला जो कीड़ा था आप लोगों को दोनों को मिलाया और कुछ करने के लिए आप ओडिशा आगे देवे सर आपण गुड़ा जानवा को चाहिए जे फिल्म कथा तड़े कहते आपण मैंने गोटे मूवी करते से बहुत चर्चा पुणी होता से मुवीर से जे सुपरस्टार थे आगेन एवं जो दमन कथा आप चिंता कले आपको आपण निजे स्टोरी भाविते ना प्रड्यूसर इंटरेस्टेड थे कहीं प्रड्यूसर भी दमन नुआ यही मूवी जरिया ही से डेब्यू करते आम एवं ओडिशा इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री जो जगह देखे अच्छी जो जगह देखे आगू आगे धीरे धीरे गति करुच्छी गोटे बहुत क्रुशियाल टाइम आ कोविड पर तो सब किसी एपट सेपट हो जाए कौन कह स्टोरी डेवलप करने गोटे ग्राउंड जीरो रो जमी आम रिपोर्ट देखुना न्यूज रे आपत गोटे स्टोरी आने जोटा कि लोक पसंद करुँच मानने एंगसीयसली वेट कर कंट्रोवर्सी आम छाड़ीदे कि आम सर भी कहले डॉक्टर इंजीनियर हाँ समस्त घरे प्रेसराइज करती समस्ते कि पचर भी बहुत कष्ट पड़े आपमी स्टोरी रो प्लान करे आम गोटे डॉक्यूमेंट्री करूँ मलकानगिरी एरिया मेलेरिया सब जिन तो सीटा करूँ गुरुप्रिया ब्रिज सेपटे जो स्वाभिमान अंचल जहाँ कौन तो से डॉक्यूमेंट्री भितर बहुत लोगों सागर देखा कलु जे केमती गोटे डॉक्टर आसुच्छे ये पीएससी काम कर ट्राइबाल लोक मैंने डॉक्टर पाक आसती ना से दिशारी पाखे देह ठीक कर दिखते आ पीएससी पर्यटन आसती ना तो बहुत मेलेरिया वगैरह भी बहुत हुए तो ये सब जिन देखते केमती गोटे स्ट्रगल करें जूनियर डॉक्टर आउ से माने चाहंती नै प्राय तो जूनियर डॉक्टर चाहंती नै जे इंटीरियर एरिया को जिया पई समस्त किंतु सेटा मैंडेटरी आपन को फर्स्ट पोस्टिंग ही होबो पोस्टिंग से या तो से जो साइकोलॉजी भितरे से माने रोहंती टेंशन भितरे रोहंती तो लागले जे ये गोटे सर्कल हेई परबो गोटे मूवी हेई परबो तो कोठना कोठी हम प्लान करथलो डिस्कशन करथलो जदी आगो किछि फिल्म करियो त आ उपरे करबा तापर हम संगे दीपेंद्र सामल देखा हले प्रोड्यूसर तांकर भी इच्छा थिला जे गोटे ओडिया फिल्म जोटा कि रियलिस्टिक मूवी होता दरकार प्लान कले आम दिज से स्टोरीटा शुणिलु कहे हाँ आउे काम करा आम स्क्रिप्ट स्क्रीन प्ले काम कलु देखुं आज्ञा जिते फिल्म स्टोरी कथा चिंता करा जाए स्टोरी जिते डेवलप हो जाए से गोटे क्यारेक्टर को चिंता करा जाए ये क्यारेक्टर टी किए प्ले कर दुटा कथ हुए जेनाली कौन हुए आम ओडिया इंडस्ट्री बहुत छोट आग क्यारेक्टर को लेकिन फिल्म स्टोरी लाइन डेवलप हुए ना ना कि अच्छा पर्सनालीटी जो मानक नहीं कि आम करियर अच्छे फिल्म चलिया सेटा गोटे एगेन हो जाए डायरेक्टर बा स्टोरी पाई आउरी गोटे कष्टकर कथा आपण क्षेत्र में सेमती किसी देखा मिली मतलब आपको लग रहा है कि मतलब आपके स्टोरी के हिसाब से जो कैरेक्टर आप चूज करने का फैसिलिटीज रहता है कभी कभार क्या होता है छोटा इंडस्ट्री होने से कैरेक्टर के हिसाब से या हीरो हीरोइन के हिसाब से स्टोरी को डेवलप करना पड़ता है दमन के टाइम में आप लोग क्या किए थे देखिए जब दमन हम लोगों ने लिखा तो पहला तो फोकस यही था कि पहले स्क्रिप्ट कंप्लीट करें ठीक है जब तक स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है तब तक वो जो मेरा कैरेक्टर है वो कैरेक्टर है डॉक्टर सिद्धार्थ मोहंती जो है जब हम लोगों ने स्क्रिप्ट को लॉक कर दिया उसके बाद सोचा कि ठीक है अभी कौन इसको जस्टिस दे पाएगा देन ऑब्वियसली जैसा हर डायरेक्टर करते हैं हम लोगों ने भी काफी लोगों को देखा रिसर्च किया और कहीं ना कहीं देखा कि बाबूशान मोहंती इज द परफेक्ट मैच फॉर दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर और जब ऐसा सोचा उसके बाद किसी सेकंड को थॉट भी नहीं दिया बिकॉज कहीं ना कहीं होता है ना कि जब आप लिखते हैं तो वो एक कहीं ना कहीं उस वो कैरेक्टर के साथ एक कनेक्टिविटी हो जाती है आपकी हमें लगा कि नहीं वो इमेजिनेशन में आ जाता है कि मतलब मैं सिद्धार्थ देख रहा हूँ तो बाबूशान को देख रहा हूँ तो वो जब ऐसा जब एक मैचिंग हो गया हम लोगों ने बाबूशान जी को अप्रोच किया एंड विद इन 5 मिनट ही सेड ओके आई मीन बिकॉज दैट वॉज वेरी रिस्की फॉर हिम ऑल्सो बिकॉज जिस तरीके से वो करते आए हैं फिल्म बाबूसान जदि नचिबे नी गाइबे नी टिके धुंधडाक न करिवे टिके कॉमेडी न करिवे हां तो दैट वाज वेरी रिस्की फॉर हिम आल्सो एंड ही सेड कि हमने बोला कि यार इसमें हीरोइन नहीं है गाना वाला नहीं है डांस नहीं है एंड ही सेड वेरी पॉजिटिवली कि ओके ठीक है मुझे कुछ नया करना है और उसके बाद आज सामने है यू नो जो जैसा ट्रेलर कट के आया है सबको सेकरे मु अपेक्षा करथली मु बहु गोटे भलो कांसेप्ट आसु जोडा आपण माने नेके आसिले एक्जेक्टली जहा ट्रेंड चालथिबो आर्टिस्ट माने करिया को बाध्य काहेकि ना जदी न करिवे तांकु होय त काम बडिबो नि किंतु यूनिक स्टोरी जेते आसिबो जडे भलो आर्टिस्ट वर्सटाइल आर्टिस्ट जे सब करि परिबो से त राजी हबो किंतु एही जो हीरोइन को कथा पडला मते बहुत माने बडे बडे आश्चर्य लागे जेते बडे आमे किछि किछि एमती भी टेलीविजन पई काम करू ना
क्राइम सीरीज धरिके चलन तो जोथरी माने फीमेल आर्टिस्ट कर काम न थाय किंतु प्रेशराइज करा जाय जे फीमेल आर्टिस्ट को ऐड करबा पाई काई कि ना व्यूअर्स माने इमिति जे गुडे झियो पिला को संगे रे न देखिले से माने भाबी परनते नि जे आमे एंटरटेन हेई परिबो तो कोन कहिबे गुडे फिल्म रे हीरोइन नथिबो आ आजकल तो आइटम सॉन्ग लास्ट रे मैंडेटरी हे गेलानी किछि नथिबो आपण माने भाबिले जे ओडिया दर्शक माने एक्सेप्ट करबे ता पई कोन कहिबे ने आमो पई प्रथम थला जे स्टोरी तार स्क्रीन प्ले तो सही हिसाब से लिखी लिखिकी आगे गलु से दरकार ही नाला तो जेहेतु स्क्रीन प्ले आउ से स्टोरी दरकार ही होनी तो आम देख लु जहाँ दरकार फिल्म को आम से ही नवा आउ आम उपर कौन सी लकीली आम उपर कौन सी प्रेशर नाला सेटा भी प्रेशर थाए प्रोड्यूसर का लेबल लु थाए जे नहीं ए दिन से रहिबा दरकार एक्टर माने भी कुहंती किंतु जने जदि बुझी पारुतबो स्टोरी के रिस्क नहीं पड़तो मेन कथा होची हॉलीवुड रे भी रिस्क रो फैक्टर ता बहुत अधिक से रिस्क रो फैक्टर को आपण माने केमिति देखिके मूवी कलावळे भाबिथिले आम एक्चुअली किसी भाविल प्रड्यूसर जेहेतु साथ दे आम कहल यही फिल्म टाक बनवा और भी इच्छा था हाँ आप चाहूँ से करूँ तो प्रथम कह कथा जो आम जो फिल्म टा भाभी जो स्टोरी लिखिलु कि स्क्रीन प्ले कलु ता भितर जहाँ दरकार से ही जिनस प्रेजेन्ट कर पार्लु स्क्रीन ताल लोक आक्सेप्ट करेंगे प्रथम तो आम आक्सेप्ट करा दरकार आमको जब जबरदस्ती कह गोटे लेडी आर्टिस्ट रखा जाऊ गोटे हिरोइन रखा जाऊ गोटे आइटम सॉन्ग रखा जाऊ तो आम पारुन जहाँ फिल्म को जस्टिस दब से ही रखी कर जैसा आपने बोला ना कि इस तरीके से फोर्स होता है कि आपको गाना रखना है रखनी है तो जब हम लोगों ने स्क्रिप्ट लिखा तो जब भी लोगों को सुनाते थे ये चीज रहती थी कि अरे इसमें कम से कम एक हुई डाल दो थोड़ा सा एक फेस दिखा दो कुछ तो एक गाना डाल दो तो होता है ना सुन के चार लोग बोलते हैं तो आप भी सोचने लगते हो लेकिन बात यह है कि हम 6 महीने से काम कर रहे हैं उस पर सोच के आए हैं जब हम उस पर बार बार पढ़ रहे हैं मुझे लग रहा है कि यार बिना हीरोइन के अगर ये मेरा स्टोरी फ्लो कर सकता है तो मैं उसको क्यों डाइवर्ट करूं क्यों मैं अपनी स्टोरी को लूज करूं नहीं क्या क्या होता है आप लोग मतलब स्टोरी में काम कर रहे हैं 6 महीने से काम कर रहे हैं आप लोग इमेजिन कर सकते हो कैरेक्टर को प्लॉट को और आप लोग वो प्लेस में भी गए हैं आप लोग उसको देख के मतलब सोचे कि ये स्टोरी करना है क्या क्या होता है कुछ लोग कनेक्ट नहीं कर पाते ओडिशा के व्यूअर्स भी ऐसे हो गए कि कोई इंटेलेक्चुअल व्यूअर्स आजकल ओडिया मूवी नहीं देखता है लेकिन आप लोग एक नया स्टोरी लेके आए हैं इंटेलेक्चुअल मस्त देख सकते हैं और एक मतलब रियलिस्टिक स्टोरी है तो लेकिन उसमें भी और ज्यादा रिस्क हो जाता है क्योंकि आजकल वो थिएटर का प्रॉब्लम कोविड के बाद तो सब कुछ का प्रॉब्लम है ओडिशा में थिएटर का प्रॉब्लम आपको तो पता है और फिर से ओरिजिनल स्टोरी को लेके करना एक रिवोल्यूशन जैसा हो गया है रिवोल्यूशन रे आपण माने जदि पार्ट होबा को चाहूचोते तले कष्ट करिया को पड़े या पूर्वरो आपण माने जो कामटी करथिले बिजु बाबूंकर जो फिल्म टी आसला बिजु बाबूंको नेकी बहुत चर्चा हेतिला किंतु गोटे लेवल ले से चर्चाटा सेठी सस्टेन करि पाललानी कोन कहबे ता पछरे बहुत इंटेलेक्चुअल कथा थिला सेटा भी आपण माने एकमत हेबे ने बिजु बाबू एक्चुअली बहुत बड़ सिनेमाटे थिला कारण सेतरे बिजु पटनाकर आइडियोलॉजी थिला आ ताकु ने की करा हेतला किंतु ता परे मतलब लागु जे हेतु कोविड आसी गला कारण 2019 मार्च 29 रे फिल्म टा रिलीज हेतला आ 2020 रे ता आसी गला कोविड मतलब लागु जे सेई पे किछि पछौजा देले आ लोक माने जेहेतु ओटीटी प्लेटफार्म आ सैटेलाइट रे हां देखिबा आरंभ कर देले मतलब लागु जे सेति पे हेई पारनी आ मे बी आगु को और हेई पारे भलो भलो सिनेमा बीजू बाबू को लेके कि जब बीजू बाबू का हम लोगों ने फर्स्ट इसको पिच किया था माधव जी को ही एक्चुअली उनको बहुत अच्छा लगा लेकिन क्या हुआ ये जो पिक्चर का ओवरऑल अगर हम देखें सेंटीमेंट जो था वो ये था कि फेक न्यूज के ऊपर हम लोगों ने फिल्म किया था फेक न्यूज किस तरीके से जो जो भी है हमारी सोसाइटी में उस ऊपर फिल्म था लेकिन जैसे पिक्चर आया पिक्चर का जो नाम था टाइटल था बीजू बाबू कहीं से ऐसा लोगों ने बोला कि अरे ये तो मतलब बायोपिक है लेकिन हमारा टीम ने कहीं नहीं बोला कि ये बायोपिक है अब प्रॉब्लम ये हुआ कि जब लोगों ने सोच लिया कि बायोपिक है इस चीज को लेके कैंपेन चालू हो गया पता नहीं अपोजिशन या जिसने भी जिन्होंने दिखाया कि भाई आप बीजू बाबू को ऐसा दिखा रहे हो क्या वो जीन्स पहनते थे क्या वो गाने गाते थे तो इस तरह का जब माइंडसेट हो गया तो लोगों ने घर में बैठे बैठे माइंडसेट कर लिया कि अरे बीजू बाबू तो ऐसे थे नहीं कैसे दिखा रहे हो लेकिन जिन लोगों ने फिल्म देखा थिएटर में देखा उन लोगों ने बोला कि पिछले 15-20 साल के बाद ऐसा फिल्म आया है जो बॉलीवुड पिक्चर को टक्कर दे रहा है जिन्होंने भी देखा उन लोगों ने तारीफ की बिकॉज़ ऐसा कुछ था नहीं और हमने कभी बोला नहीं कि इट्स बायोपिक अच्छा माने कानो सुनी सुनी गोटे कथा डिक्लेअर हे गला बायोपिक कि नहीं के देखबा गले किंतु उदाहरण कहि छ एक्चुअली हो छि कोन कि एबे नेगेटिव न्यूज़ ता बहुत शीघ्र स्प्रेड हो जाउ छ आ जोटी पॉजिटिव थबो हे पर नै तो बिजु बाबू रे बहुत किसी जिनस अच्छे जो मैंने देखी विशाल कहले जी देखी से बहुत आप्रिसीएट कर
आमको आगो को फिल्म करिया पे भी जदी मिलुची तारे से फिल्म पाई ही तो बहुत अप्रिसन मिलची आ गया आमी पळे आसवा दमन को दमन ने आपण माने ग्राउंड जीरो रो कथा जते बडे पडी छी सेठो आपण स्टोरी इंस्पायर हे छथि आपण माने भी शूटिंग जाय की बहुत कष्ट कष्ट जागा रे करि छथि शूटिंग बिषय रे किछ इंटरेस्टिंग कथा जाडबा को चाहिबो केमि ते जते फर्स्ट डे शूटिंग करथिले बा धीरे धीरे स्टोरी जते डेवलप होइतला केते मजा आसला केते कष्ट करिया को पडला सेमति किछ मेमोरीज शेयर करिवे हमर दर्शक मानक सहित कष्टटा एक्चुअली आरंभ हे इतला हमर प्री प्रोडक्शन रे अच्छा आमको जो एथर कम से कम 200 आर्टिस्ट काम करछन्थि किंतु बाबूसान गुटी जे कि एपटु जाइथले बाकी दीपोनित दास महापात्र बढ़िया वंडरफुल एक्टिंग करछन्थि ता छोड़े जिते आर्टिस्ट हेले आमको दरकार थिला जे से जो लैंग्वेज कहबा ना हले फेल लोकल लैंग्वेज कहबा तो आमे सेठी ऑडिशन करथिलु ऑडिशन रे आमको बहुत कष्ट होला अच्छा सेठी ऑडिशन करथिले तो केमिति आमे आर्टिस्ट नबो तो देखिलु जे सेठी गुडे थिएटर आर्टिस्ट अछन्थि मालकानगिर कोरापुट से आखपाख एरिया रे तो से ऑडिशन बिगिनिंग को लगला काले मिलिवेनी कौन करिबा नहले पुणी फेक लगे ये सब जिनस धीरे धीरे जितेबाला आम ऑडिशन कलु तो जन जन आर्टिस्ट आसवा आरंभ कले से हाल रु हो कि बाकी कोरापुट रु हो बहुत आर्टिस्ट आसले ऑडिशन कलु ता सहित वर्कशॉप से माने करछन्थि आउ दीपोनी जाई कि सेठी रही बोधे 8-10 दिन पूर्वर जोटी से लैंग्वेज को कैप्चर कर छि कारण सी ए कहानीटा एक्चुअली 2015 रे अछि जोटा दमनटा तो सेठी दीपोनित दास महापात्र हेची गोटे फार्मासिस्ट आ से लोकल लोक तो से लैंग्वेज सेठ सिखिची जोटे ताको भी असुविधा हेतला ए सब परे आसी गेला शूटिंग टाइम प्रोडक्शन टाइम रे लोकेशन ए भला थला कि जोटी आपण गाड़ी नहीं परिबे नहीं परिबे नी चाली कि से क्रेन हो से लाइट हो ताको धरधरी कि नवग पडतला बहुत दूर तो ये गोटे चैलेंजेस थिला आउ आमर जो कहते हीरोइन नहांती एथरे आमे दिजन कहजे आम फिल्म रो हीरोइन हो जई दीटा घोड़ा अच्छा कारण सी तांकु बोहिया पे तांकु तो आमे सपोज 20-30 किलोमीटर जाऊ तो तांकु गाड़ी रे बुहाई कि निया हुए अच्छा ओके तो से तांकु रखिलु आमे कम से कम 15 दिन बाबूसान जो फर्स्ट डे शूटिंग को आसले से घोड़ा कौन कला तांका आंटू को मारला गोटे फर्स्ट डे इंट्रोडक्शन घोड़ा सहित अच्छा तो सी टिके बिगिनिंग रु डरिक रहले अरे केमती कोन आगु को हबो तो ये सब किछ किछ प्रॉब्लम्स आस्तला आपण माने जो लोकलिटर ने के स्टोरी टिके डेवलप करले जो डॉक्टर का कथा कहचोते बा जोटी मालकानगिरी लोक माने जानते नी निजे निजे भलो कर दियंत ट्रीटमेंट कर के सेही जगह रे एग्जैक्ट शूटिंग करचोते ना किछ किछ पाखा पाखी जगह रे भी शूटिंग करिचोते ना ना पाखा पाखी जगह रे करचो अच्छा किंतु आपण माने रहिबा पई जिबा आसीबा सबुदन माने पूरा गोटे अलग पैटर्न रो शूटिंग हेतिबो बहुत कष्ट करिया को पड़ितबो हां एक्चुअली बहुत ही चैलेंजिंग था करना बिकॉज फॉर अस फिल्म इज ए मीडियम जहाँ पे आप जो स्टोरी दिखा रहे हो पहले तो वो ऑडियंस को कन्विंसिंग होना चाहिए बिकॉज सो इसलिए एम्बियंस एंड दैट परफॉर्मेंस एक्चुअली मैटर टू अस कि हम जो दिखा रहे हैं क्या वो ठीक से कैरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है अगर मेरा डॉक्टर अगर मेरे जो वहाँ के लोकल कैरेक्टर्स हैं वो ठीक से बात नहीं कर रहे अगर वो लैंग्वेज ठीक से नहीं बोल रहे हैं तो ऑडियंस को फटाक से पता लगता है कि अरे समथिंग फेक इज फेक तो वो जो डिस्कनेक्शन होता है ना फटाक से होता है वो बदल देते हैं चैनल तो ये तो हमारा क्या था फर्स्ट प्रायोरिटी था किस चीज का ध्यान रखना है दूसरा चैलेंज जैसे आपने बोला मौसम को लेके बहुत बिकॉज बारिश आ जाता है ऊपर से अभी क्या है उड़िया पिक्चर में इतना बजट तो होता नहीं है कि बहुत सारा VFX हम कर बहुत करें वो रहता है ना ग्रीन स्क्रीन डाल के शूटिंग करें तो मतलब वी आर बाउंड टू द लोकेशन हम लोग का कुछ बाउंड्रीज होता है उड़ीसा बाउंड्रीज होता है क्योंकि क्या है अगर मुझे नदी किनारे शूट करना है अगर मुझे पहाड़ में कहीं लेना है तो वो पूरे क्रू को लेके सारे इक्विपमेंट कैरी करके कंधे पे टांग के आपको लेके जाना पड़ेगा पता नहीं शायद अगर बहुत सारा बजट होता कुछ सारा हम लोग चीट कर पाते थे बिकॉज चीट भी होता है लेकिन इस फिल्म में जितना ज्यादा रॉ हो सके जितना ज्यादा रॉनेस वो नजर आ रही है हम लोगों ने ध्यान रखा बिकॉज एटा गोटे बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स तो हमको से लोकेशन से सब स्ट्रगल देखा जीवा दरकार से गुणिया मेला से बहुत बड़ बड़ जिनस ता भितरे अछि जोटा कि हमको देखिया को पड़िबो न हले लोक बिलीव करै छी मैं बोलूंगा कि ट्रेलर में जितना भी ऑडियंस ने देखा है इट्स ओनली ए 5-10% पिक्चर में से 90% और भी देखने नहीं वो ट्रेलर देखते ही सब फिदा हो गए कहेंगे ना ट्रेलर रे समथिंग कि बाबूसान को समस्त जानी छंती जे भला एक्टर आ तंको नुवा रूप रे निश्चय ओडिया ऑडियंस माने देखिया को चाहंती कहेंगे ना से जो तार भी जो रोल करी छंती ताको नेचुरल वे रे करन गोटे नेचुरल एटिस्ट मोर आज भी मने अछि मतलब शरद पूजन कर गोटे टाइम रे इंटरव्यू नै थली से कहितले जे जेतु अपराजिता को से ही फिल्म दलिया रे लॉन्च करथले से कहितले मु कहले आपन को आज का डेट रे सर कहार एक्टिंग भला लागे से कहले गोटे सेतर गोटे फिल्म बाबूसान कर आस्तला रोमियो
लवर बॉय से कहते बाबूसान तार से कथा को आखि ता माँ पर आगे नहीं कि आज भी से नहांते शरद पूजारी सर कि मोर मन पड़े गोटे मानते भर्सटाइल एक्टर जे कि आनी माँ को लाइन को सी ऑटोमेटिकली कहते से धीरे धीरे आम देखा पाइलु तो बाबूसान जो एक्टिंग करते आम पर्सनाली जो मैंने जानते जानते भारी टी खुशी मिजाज सब कथ कही जिते से क्यारेक्टर को इनवल्व हूँ आपठी पहुंचिक आग आर्टिस्ट सिलेक्शन कले वर्कशॉप कले केमी बाबूसान को आज देखुले कहीं गोटे अलरेडी से सुपरस्टार ओडिशा रो मल्टीपल क्यारेक्टर मल्टीपल फिल्ड रे से काम करती जोटा कि ओडिशा रे केही करती ना तो जो कि फर्स्ट डे आपटिंग कले गोटे लंबा स्केड्यूल फिल्म थी जेहेतु केमी कौन एक्सपीरियंस जानवाक चाहिए भितर भी से भोग था जो मुझे गोटे नुआ कनसेप्ट केमी कम करी तो आम तुम कहल वर्कशॉप करवा से कह व्हाट्सअप तो कैन के आगे कौन करवा व्हाट्सअप पूरा एमती ही कहे व्हाट्सअप कौन करा जहाँ मुझे आक्ट कैर सेम जिन ये करदेवि तो कह हाँ तो आम घर जाइ व्हाट्सअप कलु दीपोनीत आ बाबूसान कहे कहली सिंग साउंड करवा कहीं जेहेतु लोकाल लांगुएज अच्छी आम डबिंग कले आ पारानी अरे सिंग साउंड मो जीवन में सिंग साउंड करनी फास्ट टाइम पे सिंग साउंड तो कह ना कर पड़ो सिंग साउंड ना आसवन से मजा आसवन आ कैन बिलीव सी बोधे दुई दुई पेज रो स्क्रिप्ट डायलॉग एमती कहि दिंती अच्छा सेटा तं उत्तम सर कडू तंकर हेरिडिटरी आछि कि ना उत्तम मानती सर मध्य सेमतिया वन टेक रे जेमती हम अमिताभ बच्चन कर देखु सेमती मध्य तंक सहित से वन टेक रे कहि दिंती बोदे सेटा ये कैरी करी आछि एक्जेक्टली आ से मूड से कैरेक्टर भितरे पसिया इन्वॉल्वमेंट इन्वॉल्वमेंट बहुत बढ़िया आ जेहेतु हम व्हाट्सएप करथु तो शूटिंग टाइम रे टाइम बंची गला हमको नहले ए फिल्म करिया को हेले भी हमको कम से कम बोदे 50 डेज रो शूट दरकार थे आपण माने केते दिन रो स्केड्यूल करतले आमे आपको सारी छु 20 डेज रे 20 अच्छा। 21 डेज एते कम दिन रे माने फिर एठी कुहंती फिल्म सॉरी जो रीजन अछि त रीजन एही आ जे 1 मंथ से माने वर्कशॉप करचोते मालकानगिरो सब आर्टिस्ट बाबा माने जणे जणे आर्टिस्ट हाफ पेज रो डायलॉग जदी अछि ऑफिस जांती आ सेटा को पढंती गोटे मास धरि के तापर आम जाए स्टेज रे वर्कशॉप वगैरह करूँ वर्कशॉप आम बोलते 8-10 दिन से करूँ आम प्रेजेंट रही तो सब क्लीयर थी सुटिंग सेट रे कौन हम किए क्यारेक्टर कौट आस मुड हम कड़े लुक दौर से सब जिन फाइनल कारण आम पाखे से बजेट ना आम जब डायरेक्ट कह आर्टिस्ट आस सुटिंग सेट रू से स्क्रिप्ट दिहब से कह इम्प्रोवाइजेशन ये सी हेला बेलू से पुणी वर्षा आसव से सब बंद हो 50 डेज रुटिंग पड़ता है अच्छा प्री प्रडक्शन मैंने पूरा इनवल्व थे जो प्री प्रडक्शन काम पूरा स्ट्रंग प्रडक्शन और पोस्ट प्रडक्शन बहुत इजी प्रोडक्शन रे तो आपण सहित सुपरस्टार थिले बा आपण मानकर इन्वॉल्वमेंट थिला माने बहुत इजी हे गला सब आर्टिस्ट मानको आपण व्हाट्सएप करैतले किंतु पोस्ट प्रोडक्शन कथा कोड कहबे केमिति थिला पोस्ट प्रोडक्शन रो माने आपण माने जितेले इन्वॉल्व रहितबे आपण जेमिति भाबुतले सेमिति देखि पारुतले पोस्ट प्रोडक्शन रे सेम जहा भाबितलु सेम जिंस आछला जेतु मु निजे भी एडिटिंग करथि तारो तो मते एडिटिंग रे टिके टाइम लागिला आ बाकी वीएफएक्स आर्टिस्ट भी हमर एडिट जा हो भलो अछंती तो बहुत बढ़िया काम कर छन हां कहिना आपण मानकर ब्रेन चाइल्ड बा आपण मानकर मानस पुत्र जतळ आपण माने ताको विजुअलाइज करथिबे गुटे आपण माने सब इमेजिन करि परथिबे जतळ जणे ताको विजुअलाइज करे बा डायरेक्टर से इमेजिन करथाय जे मु एटा को एमते देखि फाइनल स्क्रीन दे तो आपण माने सेतरे खुशी थिले एक चीज और बोलूंगा कि जब हम लोग शूट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि फिल्म को 6 घंटे 7 घंटे शूट कर रहे हैं बिकॉज़ जितना है वो पूरा कैलकुलेटिव है कवर करके रखा हुआ है कितने शॉट लेने हैं इतना ही करना है तो वी वर श्योर कि ठीक है और एक दिमाग में रहता है ना एडिट चल रहा है इधर से आएगा ये आएगा ये किया है तो वो पूरा उस तरीके से शूटिंग किया है तो हमने कभी भी मतलब तीन फिल्मों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक्स्ट्रा एक शॉट भी लिया है वही होता ना पेपर पर लिखा है कि भाई अच्छा लग रहा है ले लो तो ठीक है हम लोग कभी नहीं लेते इससे काम ये हुआ कि जब हम पोस्ट पे आए तो जैसा पिक्चर का सोच जो जो हमारी सोच थी जैसा देख रहे थे वो वैसा प्रोडक्ट निकल के आया और लकीली जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं ही इज वेरी हैप्पी कि कम से कम उनको पसंद आई वो चीज तबरे गोटे भलो फिल्म को ना गोटे भलो टीम टे जरूरी निश्चय जेमते साउंड जी हमर करचि तो सर हैला कि वीएफएक्स गुगु हैला तो ये सब टीम मिल गले गौरव आनंद बहुत परिश्रम कर चुके म्यूजिक पे उन्होंने बहुत मेहनत की है बहुत परिश्रम उन्होंने कम से कम 6 मंथ समय नहीं चुके सीए नॉलेज से जो लिरिसिस्ट हो जेपी वर्ड स्मिथ बापू गोस्वामी तो समस्त बहुत परिश्रम कर चुके से तो फिल्म टा माने हमें अक्टूबर रे शूट करथिलु
अक्टूबर हवा को जाओ छी अक्टूबर से अभी अक्टूबर होने वाला है तो 1 साल हो गया फिल्म का गोटे वर्ष माने आमे एठी फिल्म कथा तड़े सुनू ना काली मुहूर्त हुए आउ संगे संगे जो फेस्टिवल थाए से मासे 15 दिन भीतर हो जाए माने जो कहती राति रे स्वप्न देखी सका पूरण करिया पे ओडिया इंडस्ट्री सेंती हुए कहीं जेहेतु कॉपी पेस्ट रो कथा फ्रेम फ्रेस फ्रेम फ्रेम कॉपी हुए कि आपण माने से देखी पेपर वर्क करके प्रीप्रोडक्शन करिछंती आपसे जानना चाहेंगे विशाल जी देवी सर तो बहुत कुछ बोले शूटिंग के बारे में मतलब आपको क्या लगता है बाबूसन उस मूवी में दमन में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस कौन से सीन में दिया जो आपको पूरा दिल को छू गया कि बहुत मतलब एक एक होता है ना पूरा मूवी में भी एक सीन पूरा दिमाग में रह जाता है उसको भूल नहीं पाते एज ए डायरेक्टर आप क्या कहना चाहेंगे देखो एज ए डायरेक्टर आप मुझसे पूछोगे तो पूरी फिल्म में हर सीन में अच्छा काम किया है वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है जी ये चीज आप ऑडियंस को बोलने तो बैठ दूसरी चीज क्या है बाबू इज ए वो इस तरीके के आर्टिस्ट हैं कि उनके साथ ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा किसी भी सीन हां इनबॉर्न आर्टिस्ट यस उसके बाद 10-15 ड्राफ्ट तक हम लोग उस पर काम करते हैं कि मजा आ रहा है कि नहीं उसके बाद फिर उस चीज को आउट किया जाता है तो बाबू के पास जब भी कोई सीन जाता था कुछ करता था तो ऐसा था कि बाबू ने हर सीन के कैरेक्टर को जो भी एम्बियंस को समझ के काम किया इसलिए किसी भी सीन में कम किया ज्यादा किया इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू टेल सब में जबरदस्त हमें गोटे सीन देखी जो जोटा भी सतरे से घटी थी बोली सुनवाक पाइचु से जो लोक टी से निजे कांधरे बोही बोही नहीं जाऊँगी पानी को क्रॉस करके नदी को से सीन टी कला को मानते आम बहुत समय से पेपर में पढ़ीचु टीवी न्यूज रे देखीचु सेमती हुए एम्बुलेंस नहीं बा रास्ता नहीं किंतु डॉक्टर निजे बोहिक ना आउ जो सेलिब्रिटी जो निजे बोहिक नौ से सुटिंग एक्जाक्ट से जो आम देखीचु टीजर में तार अनुभूति कमी कहे कमी थी कहीं आम देखी प्रतिदिन पढ़ू पर्टिकुलर मालकानगिरी कथा सबू कथा ही पढ़ू एम्बुलेंस न था प्रेग्नेंट लेडी मरी जाती क्रॉस कला बड़क कहीं मानते पहुंची पारती नहीं आते से सीन में देखु आम मीडिया पर्सन हिसाब से जहाँ भावु नॉर्मल लोक भावुवे सी सुटिंग कला बेलू रोम टांगुड़ जाऊ फिल कर मैंने देखुवे पाखापाखि कमी कष्टा को लगुच तो मत लगे आपको फिल्म तो आम पूरा देखी नौ रिलीज पर्यटन व्वेट करूँ से सीनटा गोटे बहुत आई कैचे गोटे इमोशनाल सीन आमोशनाल सीन सहित अटाच हाँ बहुत इजी नहीं ये फिल्म कौन है ना जमी कहली बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स जहाँ जहाँ इवेंट अच्छे से सब हो सारे आम तो खाली कनेक्ट करके देखेचु गोटे फिल्म टे बन से फार्मासी से हाँ जहाँ नक्सल जमती जहाँ करती कि से डॉक्टर सागर जहाँ हुए से लोक मैंने जमी बिहेव करती से सब जिन अच्छे खाली जोड़ा है लोक देखे गोटे गोटे मैंने जमी एक्सपीरियंस ना गोटे जगह बंचिक आसे गोटे जगह को देखुं पूरा सामने मालकानगिरी टाक 2015 देखुं एवं तो गुरुप्रिया ब्रिज हो गला से तो पा थी तो एक्चुअली सेठी लोक मानक बहुत असुविधा होता मशार प्रोब्लेम से डॉक्टर्स माने पीजी करिया को आग जॉइन भी कर जाती छुट्टे रही जाती पीजी करिया को बाहर को पढ़ाती कि प्राइवेट क्लिनिक मान करे जॉइन कर जाती कहीं ना कहीं रिक्स नबा को चाहती नहीं जी भी ओरिजिनली से रिक्स नहीं छंती से माने को सैल्यूट करिया दरकार कहीं ना एक्चुअली रे से माने रियल हीरो आमे खाली भाबू छी जे जो माने हम देश को चारि पटे जगी के रही छंती से माने रियल हीरो किंतु जदि देखिबा डॉक्टर माने हो छन द्वितीय रूप भगवान सही जिंसडा ही फिल्म रे भी अछि डायलॉग थ्रू रे भी अछि ए भी अछि वही मैं बोल रहा हूं एक्चुअली क्या है कि जब हम लोग डॉक्यूमेंट करने के लिए गए थे जब चीजों को एक्सप्लोर किया नीचे से तो पता चला कि बहुत सारी चीजें बहुत घटनाएं हुई हैं उस एरिया में तो दिमाग में ये थॉट आया कि ठीक है फिल्म करना है कैसे करेंगे मतलब बिल्कुल पता नहीं था तो फिर एक ये बाद में समझ में आया कि चलो एक डॉक्टर के मीडियम से इस स्टोरी को कहते हैं तो अभी भी दमन को लेकर भी ऐसी चर्चा चलती है कि इट्स बेस्ड ऑन ए पर्टिकुलर पर्सन तो मैं यही बोलना चाहूंगा इट्स बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स ये किसी पर्टिकुलर बंदे का बायोपिक नहीं है तो ये चीज मैं क्लियर थोड़ा सा इसको करना चाहता हूँ क्लियर कि कोई ये ना समझे कि बायोपिक है तो पूरी उसी बंदे की स्टोरी लाइफ स्टाइल में दिखा रहा हूँ वो नहीं है
मैंने कुछ हाँ चंक लिया है क्योंकि वो एक इंस्पायर ऐसा हुए चंक हैं है आप जो लोग। लोगों को इंस्पायर करता है, वेरी वेरी नहीं से जो मोटिवेटेड असुविधा नहीं छु है। सेटी एक्चुअली कौन असुविधा हुए डॉक्टर मानकर से सब एंगल गुडा कर छु। सपोज आमे जदी पॉइंट लिखिबा आरंभ करिबा तले 50 टा पॉइंट आसे, तो से 50 पॉइंट रु को को जिंसडा आमे रखिबा दरकार। तो एमती नै छै खाली डॉक्टर भी नुहंदी एठी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय माने इंटीरियर रे जाई के काम करछंदी, सपोज तहसीलदार हूँ तू बीडीओ हूँ तू जी भी इंटीरियर रे काम कर छंदी, समय समय ते रिलेट कर छंदी मते पर्सनल मैसेज कर छंदी। हां से कथा हम जानबा को चाहू थेली जे जेहेतु आपण गोटे रियल इवेंट्स को नेके सब इंस्पायर हे छंदी डॉक्टर मन को कथा तबड़े असे आमे जानि छु आमे बाबू डॉक्टर पढिबाटा सबटु जेहेतु कष्ट आ से माने लाक्स रे अर्न करि पारंती तांकर इनकम, तो तांको पछरे भी एते कष्ट करिया को बड़े बड़े पड़े से कथा के भावंतिनी। आपण को फिल्म जरिया रे साधारण लोक जानि परथबे जे एमती जाई के रूरल रे प्रथमे पोस्टिंग हुए के एमती करिया को पड़े आपण मानको केते तापर फोन मेसेजेस आछि से ग्राउंड रो जे तो आपण माने काम टिके करि छंदी केते आपण को काम को देखिया पे एंग्जियसली समस्त वेट करि छंदी बहुत आछि समस्त एमति कहि छन जे अच्छा आमो एरिया रिलीज हबो तो आमो एरिया रिलीज हबो तो ये सब चल छि। ओडिशा बाहरी फिल्म टिके पहुंचे पे आपण माने बहुत चेष्टा करि छंदी सतरे जदि सेमति हेई परला बहुत भल कथा कहि ना आमे माने भी चाहु छु आमो ओडियात्व को नेकि समस्त जानंतु आमर क्रिएटिविटी को नेकि जानंतु एमिति नहि छि आमो पखरे क्रिएटिविटी नाही किंतु आमे ताको निज सोले रिप्रेजेंट करने सबले रिप्रेजेंटटा अन्यठु मागि के आनि के आमे करि छे, तो आपण मानको लागु छि बहुत किछि चेंजेस हबो रिवोल्यूशन हबो। देखो सेटा जो पोंत आसिनी कहि परिबो न आमे बट एति लगुच आम बिलिव करूँ कारण जिते जन को भी आम सर्ट्रे फिल्म देखल पखापाखि 30-35 लोक तो देख चुके हैं, तो जी भी देखुं से कनेक्ट रोचान, तो से फिल हो हाँ जी देखा को आसो थे निहत किसी नहींक जीव सी आज नेगेटिविटी चलती कि कथा चलती से हेनी एटा मैंने आम पूरा दृढ़ विश्वास 100% कि जन जब देखुचे तो नहीं कि जीव सेमती जीवन। अच्छा ये गोटे मुझे सब व्यूअर्स मन को कहीदेक को चाहिए जी जब भावुंत आपड़ मैंने जन बायोपिक नुहे कहीं बायोपिक बेले बेले टी ड्रामाटाइजेसन चेंजेस करा हुए कहीं क्या खराब भाव में पोर्ट्रे कराने कि जमीक कहते देवी सर और विशाल सर जे ओरिजिनाली से सब सिचुएसन इवेंट्स को लेकिन स्टोरी को लेकिन इवेंट्स को लेकिन रिप्रेजेंट कर सबको कनेक्ट करके आशा जी आप बुझी पार्थे जमा भी रंग कनसेपन रुहतुनि आ फिल्म टे देखा भी निश्चय आसवे तेज आप दुई जनकर केमिस्ट्री आम जान सारे केमिस्ट्री सब डायरेक्टर आर्टिस्ट रहा जोटा कि बाबू सार सहित आपर बिल्ट हो जाए आपने आउ कि अपकमिंग प्रोजेक्ट करूँ कहीं आप दुई जनकर केमिस्ट्री को लोक वेट कर कौन कौन नुआ नहीं कि आप दुज आसवे देवी और विशाल जो थे ओडियात्व थी आपने आपके आसपास देख रहे हैं सराउंडिंग्स में देख रहे हैं बहुत सारा स्टोरीज है, आपने बोला ना कि लोग बाहर से सीडी लाते हैं और कॉपी पेस्ट करके बना रहे हैं, मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे इतना स्टोरी है कि आपको वो कॉपी पेस्ट करने का जरूरत ही नहीं, थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा इन्वॉल्वमेंट है। और जैसा कि बोला कि डॉक्टर इज ए हीरो, तो वो एक्चुअल में सच बात है बिकॉज हम जो फिल्म में बता रहे हैं हमारी फिल्म का जो हीरो है वो डॉक्टर्स हैं और वो हर आदमी है जिन्होंने दमन में काम किया है और अपने जो ड्यूटी को ठीक तरीके से कर पा रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ ये पिक्चर बेस्ड है जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं हर तरह का कैरेक्टर में कोई ना कोई एक हीरो छुपा हुआ होता है, बस वो एक्सप्लोर करने का जरूरत है। माने आम कह कथा हो जी मेकिंग सिखिबा कथा बाहर फिल्म रु स्टोरी नुहे स्टोरी मेकिंग सिखिले केमती प्रेजेंट करियो से कैरेक्टर टा केमती बढ़िया एक्टिंग करछे सेटा हमको सिखिबा दरकार, से केमती कर पला मो प्रोजेक्ट काहे के होउनी मो प्रोजेक्ट से कनेक्शन काहे के दोनी से गुडा सिखिबा दरकार दैट स्टोरी इज इंपोर्टेंट। कहानी तो एठी समस्त घर आछे आपन कर गोटे कहानी मोर गोटे कहानी कैमरामैन कर गोटे कहानी समस्त और कहानी आछे खाली मुंडो टी चले दरकार। जैसे हम अभी बात कर रहे थे शो के पहले एक्स्ट्रा मैरिटल को लेके यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करता, कुछ कुछ मैं यही बोल रहा हूँ आपसे, अगर मैं कोई कोरियन पिक्चर देख रहा हूँ और मैं बोलूँगा अरे हीरो ने ऐसा किया था मैं यहाँ पे कराता हूँ तो वो लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे, तो जब आप ऐसा करने लग जाएंगे तो वो ऑडियंस जो अभी कर रहा है वही करेगा आपका पिक्चर नहीं देखने आएगा, तो जरूरी ये है कि हमारी ऑडियंस का क्या समझ है वो क्या देखना चाहती है क्या पसंद है वो स्टोरी हम सराउंडिंग से उठाएं। हम ऑडियंस भी ना सब ऑडियंस के भलिया एमती किछ नो जो गोटे अलग आम तो कहीदे बट जिनस हो बहुत दिन है
जो फिल्म दे दे कि आसछन कि जहाँ भी हो से गोटे कनेक्शन कटि जाए कारण से सेठू भल जिनसटे पाँच एठ आसूना किणापी तो आमको ही परिश्रम करा पड़ो आम ऑडियंस को आम के दोष दबा जे सी देखा आसिले किसी तो गोटे भल कर जोटि से कनेक्शन मिलवा दरकार बस से ओडिया मेकर्स एंड जो भी प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए डबल मेहनत है क्यों डबल मेहनत है उड़ीसा जो सोसाइटी है वो एक्चुअली है ना क्रॉस कल्चरल सोसाइटी है यहाँ पे लोग हिंदी भी देख रहे हैं उड़िया भी exactly. देख रहे हैं तो आपको उड़िया कंटेंट उतना अच्छा बनाना पड़ेगा कि वो हिंदी छोड़ के आपका देखें अदरवाइज यहाँ पे तमिल एंड केरला एंड कन्नड़ जैसा नहीं है कि वो उन्हें हिंदी से लेना देना नहीं है आपका केवल अपना लैंग्वेज देख रहे हैं यहाँ पे तो उड़िया लोग उड़िया रिजेक्ट करके हिंदी देख रहे हैं तो यहाँ पे डबल मेहनत करने का जरूरत है अदरवाइज यही है कि लोग नहीं देखेंगे फिल्में आपण माने आसी गलेनी एथरो निश्चय डबल मेहनत करंतु आमे भी वेट करिवो आपण को फिल्म रिलीज हेला पोरै पुणी केते बडे आपण मानक सहित कथा हबो ओ से फिल्म को नेके अमर भी मत रखिबो केते आमे माने खुशी पाइलु आ आशा जे आपण माने नुवा किछि निश्चय पुणी भेटि देबे आमे दर्शक मानक पई किंतु ता पूर्व ए फिल्म टे आपणकर सुपर डुपर हिट हो स्ट्रेट अवार्ड पाओ विभिन्न अवार्ड को जाओ काईकिना आजिकलि कहय गले ओडिया इंडस्ट्री पूरा डाउन हि जैछि तो आशा जे आपण माने जेतु बहुत काम करूछंती ग्राउंड रो रिसर्च करके निश्चय गोटे इंटेलेक्चुअल मस को माने एक्सेप्ट करिवे से माने ये फिल्म टिके दमन को नेके हमर बेस्ट विशेस आपण माने बहुत भलो करंतु माने लोक एप्रिशिएट करंतु दर्शक माने पुनि केबे देखा हबो बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार थैंक यू सो मच फ्रेंड्स आज आपण माने दमन रो दुई डायरेक्टर को भेटिले अनेक कथा जानिले दमन विषय रे देवी प्रसाद लेंका और विशाल मौर्य जो दुई जनकर निर्देशना और जो माने पछेरे अछंती दमन फिल्म रो से माने तांकर अनेक अनुभूति शेयर कले आशा जे आपण निश्चय फिल्म हॉल रे टिकट टे काटे के सेप्टेम्बर 30 रे रिलीज हेला परे दमन को देखबा को जिबे एवं भल पाइबा देबे मो केतो पुणी आसिबी नेक्स्ट वीक रे आउ किछि सेलिब्रिटी को सहित मते विदाय दंतु बाय बाय।